तो कहानी शुरू होती है आज से कुछ 10-12 साल पहले, जब मैं था 5th या 6th क्लास में। तब से मेरे को एक मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए था, पर सारे मैकेनिकल कीबोर्ड उस टाइम पे तो थे 15-20 हजार के। फिर जब मैं 12th में आया, कॉलेज में आया, थोड़ा प्राइस कम हुआ, 8 हजार तक के अच्छे अच्छे आने लगे। बट फिर वही था, 8 हजार रुपए घर वालों से कीबोर्ड के लिए मांगना तो वर्थ नहीं था। और तभी मैंने सोच लिया था कि अब अपने पैसों से ही एक अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड लेंगे तो अच्छा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और आज मेरे को जॉब लगे हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, एंड फाइनली एक मैकेनिकल कीबोर्ड लेने वाले हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड लेना एक नेसेसिटी नहीं थी, वो बस एक वांट थी, एक लग्जरियस वांट थी। ना नेसेसिटी, ना रिक्वायरमेंट, कुछ नहीं है, बस एक लग्जरियस वांट। तो इसलिए इसको सबसे एंड में लिया। इसको हम काफी पहले ले सकते थे, बट फोन लेना पड़ा बीच में, फिर लैपटॉप की जरूरत पड़ी तो लैपटॉप लेना पड़ा, और अब जाके मेरे को लग रहा है कीबोर्ड लेने का टाइम आ गया था। तो फाइनली हमने कीबोर्ड ऑर्डर कर दिया है। वेल, टेक्निकली अभी किया नहीं है, करने वाले हैं, आपके साथ करेंगे। एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस मोमेंट विथ यू, इसलिए मैंने सोचा ये पूरा ऑर्डर करने का भी आपके साथ करें, उसको पूरा रिकॉर्ड करें। यू कैन स्किप टू दिस टाइम अगर आपको सीधे इसका रिव्यू और साउंड टेस्ट वगैरह देखना है तो। बट एज यू गाइज आर पार्ट ऑफ द फैमिली, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगाओ और ये पूरा प्रोसेस देखो और मेरी एक्साइटमेंट देखो। एंड दिस इज नॉट अ फ्लेक्स कि भाई 8000 में मतलब कीबोर्ड ले रहा है। दिस इज जस्ट कि अगर आप चाहो तो खुद से चीजें ले सकते हो। मैं 6th क्लास 7th क्लास में लेने की जिद करता तो शायद घर वाले दिलवा देते, बट उसमें वो मजा नहीं आता जो मेरे को आज आ रहा है अपने पैसे से सेव करके जब मैं कीबोर्ड ऑर्डर करने वाला हूँ। और वो कहते हैं ना, खुद कमाने लगो तब पैसे की असली कीमत समझ में आती है। तो देखो भाई, मैं अपनी पहली सैलरी से भी कीबोर्ड ले सकता था, बट क्योंकि अपना पैसा था तब समझ में आना शुरू हुआ कि इसको बचाना है, फालतू की चीजों में एक बार में खर्च नहीं करना है, करेंगे थोड़ा टाइम आने के बाद। मैंने सोचा था अपने आप को इसको एज अ गिफ्ट दूंगा जब मैं एजेंसी से एजेंसी नेक्स्ट में आया था, सैलरी अपग्रेड काफी अच्छा मिला था, काफी अच्छा हाइक मिला था, बट मैंने सोचा नहीं, अभी भी टाइम नहीं है, लैपटॉप लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैपटॉप खटारा होता था एंड माई मेन वर्क इज कोडिंग, लैपटॉप होना चाहिए। कीबोर्ड अच्छा हुआ और लैपटॉप चले ही ना तो क्या फायदा। तो ऐसे चीजों को जोड़ जाड़ के एंड में हम कीबोर्ड अब लेने वाले हैं। तो चलिए अब चलते कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और कीबोर्ड ऑर्डर करते हैं। ऑलराइट, तो आ गए हम कीक्रॉन की साइट पे। और वैसे आपको पता होगा कि कीक्रॉन का ही कीबोर्ड हम लेने वाले हैं, क्योंकि आपने उसमें देख लिया होगा क्या कहते हैं वीडियो टाइटल में। बट अभी मेरे को थोड़ा सा देखना है कि मेरे को कौन सा ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मेरी आंखें फिक्स हैं एक ही कीबोर्ड पे, मैं वही ऑर्डर करने वाला था, बट फिर भी मैं सोचा थोड़ा बहुत और भी देख लें। मतलब साउंड टेस्ट सब देख चुके हैं हम ऑलमोस्ट, और आउट ऑफ स्टॉक डोंट टेल मी दीज आर आउट ऑफ स्टॉक। ओ माय गॉड, दीज आर आउट ऑफ स्टॉक। वेरी गुड। मेरे को ब्लू स्विच छोड़ के रेड स्विच, ब्राउन स्विच दोनों में से कोई भी ले सकता था, एंड दीज आर आउट ऑफ स्टॉक। K6 लेने थे, आउट ऑफ स्टॉक है। दैट मीन्स दिस थिंग हैज टू वेट। थोड़ा सा से गुस्सा सा आ रहा है मेरे को अभी, बट कांट डू एनीथिंग। लेने हमको K6 ही हैं। K6 का फॉर्म फैक्टर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, 65% बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को। दिस वॉज द कॉन्फ़िगरेशन आई वॉज गोइंग फॉर, ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे को चाहिए थी, आउट ऑफ स्टॉक है, नाइस। चलो अब जब स्टॉक में आएंगे फिर आप लोगों को दिखाते हैं। मिशन 1 फेल्ड, ट्राई 1 फेल्ड, कब आता है स्टॉक में देखते हैं। अब वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ K6 में ऑर्डर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि K6 में एक ऐसी चीज नहीं है जो कि मैं डेली यूज करता हूँ, जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसा क्या था भाई? K6 में डिलीट बटन ही नहीं है। जी हाँ, मैं डिलीट बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेरे बहुत काम की चीज़ है। मैंने देखा K6 में डिलीट नहीं है एंड मैंने K4 ऑर्डर कर दिया, आ गया है। चलिए साथ में अनबॉक्स करते हैं। से आया था ये, इसका बॉक्स है, देख सकते हो इस बॉक्स में आया है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू ओपन इट। तो चलिए इसको खोलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं यार, एंड आई वॉज प्रीटी अमेज्ड कि मतलब काफ़ी जल्दी डिलीवरी आ गई, और Tier 1 cities में एक दिन का डिलीवरी बोल रहा था, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कि सही में एक दिन में दे जाएगा। तो
Here's the box. Opening it for the first time with you. यहाँ से बैठा. Okay. Okay, ऐसा नहीं आता. और ये आएगा बाहर. Oof, this looks so pretty, man. Anyways, इनसे खेलने में तो ज़्यादा मज़ा आता है. मतलब वो मज़ा ज़िंदगी में शायद ही किसी और चीज़ में आता हूँ. And here is the box. Keychron का box ये रहा. काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी मतलब प्रीमियम बॉक्स है. अ टैक्टाइल कीबोर्ड फॉर पीक प्रोडक्टिविटी. A2H यहाँ कीबोर्ड का नाम वाम लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे, सारी डिटेल्स हैं. Keychron मॉडल K2 मॉडल लिखा हुआ है. पीछे इसके बारे में डिटेल्स दे रखी हैं कि कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, ये सब है. चलो सही है, सही है. एंड इस साइड में Keychron लिखा है, इस साइड में भी Keychron लिखा हुआ है. यहाँ पे लिखा है K2 जो हमने मंगवाया है, वाइट बैकलेट, ब्लू स्विचेस. अब इसको प्यार से खोलते हैं. सैटिस्फाइंग फीलिंग थी भाई बहुत ज़्यादा, पर इतनी सैटिस्फाइंग थी वो ढंग से खुला नहीं. तो लेट्स यूज इंडियन जुगाड़ ना खोला. इंडियन जुगाड़ ऑल्सो फेल्ड थोड़ा. ऐसे खोल लेते हैं थोड़ा सा फोर्स अजमा दिया थोड़ा सा, बट कोई नहीं. कैमरा ही उड़ गया था हमारा. बट तो सबसे पहले इसमें एक ये चीज़ आती है कि अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आपको ये की कैप्स चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मैप मैक्स होता है. पीछे कुछ और चीज़ें दे रखी हैं कि कनेक्ट कैसे करना है, केबल के बारे में, लाइटिंग इफेक्ट कैसे चेंज करना है, फंक्शन कीज क्या क्या हैं, डी मैप कैसे करना है, फैक्ट्री रीसेट कैसे करना है. तो इसको हम बाद में देखेंगे. पैकेजिंग तो भाई मतलब क्या ही प्यारी पैकेजिंग है. ये कीबोर्ड है, इसको बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या है. बॉक्स में मैनुअल है जो अगर आपको पढ़नी है पढ़ सकते हो. और केबल, ब्रेड केबल हैं, एक्स्ट्रा स्विचेस हैं, और कूलर्स हैं हमारे दोनों. तो ये सब चीज़ें आपको बॉक्स में देखने को मिलेंगी. अब लेके आते हैं स्टार ऑफ द शो, जो कि है हमारा कीबोर्ड. क्या मतलब भाई, इसको देख के क्या मज़ा आ रहा है. मतलब दिल ही खुश हो गया इसको देख के. बड़े नहीं है, इसको बाहर निकालते हैं. ओह नाइस भाइयों बहनों जो भी देख रहा है, ये हमारा कीबोर्ड. एल्यूमिनियम फिनिश नहीं है, एकदम बेसिक मॉडल जो था उसका वो है. देख सकते हो आप, इस साइड में हमारे बटन्स हैं. बैक में ऐसा दिखता है, पीछे से ऐसा दिखता है. ड्यूल स्टैंड जो है वो रहे. नाइस. तो ये तो एक चीज़. अब अगली चीज़ कर लेंगे इसका साउंड टेस्ट. तो चलिए अब इसका साउंड टेस्ट दिखाते हैं आपको इन 3, 2, 1. तो बस ये थी छोटी सी कहानी मेरी और मेरे पहले मैकेनिकल कीबोर्ड. आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में.